मैन वर्सेस वाइल्ड शो तो आपने देखा ही होगा। इस शो में हैरत अंगेज करतब होते थे और कई बार अपनी जान बचाने के लिए जंगली जानवरों को ही मार कर खा लिया करते थे। इस शो में कई बार बियर गर्ल्स ने सांप को भी मार कर खाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक पूर्व डकैत ने जो किया उसे देखकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। पूर्व में खतरनाक डकैत रह चुके दस्यु गंगा प्रसाद केवट और फौजी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह नदी में से एक जहरीले सांप को जिंदा उठा रहा है और उसे जिंदा ही खा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से क्षेत्र में दस्यु गंगा प्रसाद केवट इसको लेकर चर्चाओं में बना हुआ था, मगर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह सांप को जिंदा खा जाता है। मगर अब गंगा प्रसाद केवट की जो वीडियो सामने आ रही है उसने सनसनी मचा दी है। आपको बता दें कि दस्यु गंगा प्रसाद केवट पूर्व में एक खतरनाक डकैत रह चुका है। अपराध और डकैती की दुनिया में इसका बड़ा नाम रहा है। दस्यु गंगा प्रसाद केटव बांदा के कमासिन के कगार गांव का रहने वाला है और अब वह फिलहाल फतेहपुर के अहमदगंज तिहार नाम के गांव में अपनी ससुराल में रह रहा है और फिलहाल जेल में लंबी सजा काटने के बाद वह बाहर आया है। अब दस्यु गंगा प्रसाद केवट और फौजी ने अपराध की दुनिया तो छोड़ दी है, लेकिन जेल से बाहर आकर वह मछली का शिकार करने लग गया है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान वह नदी से सांप निकाल कर उसे जिंदा ही खाने लगा है। आपको बता दें कि दस्यु गंगा प्रसाद केवट का दावा है कि वह अपनी खोपड़ी से नारियल भी तोड़ सकता है और फिलहाल इसकी सांप खाने वाली वीडियो काफी वायरल हो रही है और सोशल मीडिया में काफी चर्चाओं में भी बन गई है। लोग ये वीडियो देखकर हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। वहीं लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को दोबारा जेल में डाल दिया जाए।